Hello folks, I just want to welcome you all to YouTube channel We Are Perfect. I hope you all are doing well. And आज की जो वीडियो होने वाली है that is about listening module. So listening test जो है that is very important क्योंकि हमारे जो चारों modules हैं तो most probably जो होता है कि listening में से हम maximum score जो है वो कर सकते हैं, maximum points हम score कर सकते हैं. तो इसमें 40 questions आते हैं हमको. सो वी 30 मिनट्स में जो होता है हमारे जो लिसनिंग का चलता है वहाँ पर रिकॉर्डिंग चलता है वो 30 मिनट्स होता है उसका टाइमिंग. उसमें 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं एंड आपको 10 मिनट्स एडिशनल मिलते हैं ताकि आप जो अपने आंसर्स हैं अपने जो नोटबुक पे रफली लिखे हुए हैं आप उसको नीट एंड क्लीन वे में आप आंसर शीट पे ट्रांसफ़र कर सकें. सो टोटल 40 मिनट्स मिलते हैं आपको टोटल. तो 40 आपके क्वेश्चंस रहते हैं. सो ये रहता है लिसनिंग का जो पैटर्न. एंड लिसनिंग का एक और खासियत है कि जो जनरल ट्रेनिंग करनी होती है जिन्होंने तो उसमें बेसिकली रिक्वायरमेंट रहता है 7778. 7778 क्या होता है कि 8 बैंड्स आपको लिसनिंग में चाहिए होते हैं और 7 बैंड होता है बाकी सारे तीनों मॉड्यूल्स में, राइटिंग में, स्पीकिंग में एंड रीडिंग में. करेक्ट. सो लिसनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा ईजी वे है आपको हाई स्कोर करने में ताकि आपको ओवरऑल बैंड स्कोर भी हाई हो जाता है अगर आपको 8 की जगह 9 आ जाता है लिसनिंग में. सो वो एड ऑन है आपकी वैल्यू. सो नॉट ओनली फॉर जनरल, अगर अकेडमिक में भी अगर आप लिसनिंग में से 9 स्कोर कर लेते हो या फिर 8 स्कोर कर लेते हो तो ओवरऑल जो आपका बैंड स्कोर रहता है वो इम्प्रूव हो जाता है. सो दैट इज़ वाई लिसनिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवरऑल आपके आइल्स बैंड स्कोर में. सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आइल्स के टिप्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. सो फर्स्ट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट टिप इज रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. सो मोस्ट प्रोबेबली हमें क्या होता है लिसनिंग में हमने दो चीज़ें एक साथ करनी होती है. एक तो हम ऑडियो सुन रहे होते हैं, राइट. दूसरा हम साथ में लिख रहे होते हैं जो भी उसमें से हम पिक करते हैं आंसर, हमें लगता है कि ये करेक्ट आंसर हो सकता है. सो दो चीज़ें हमें साथ में करनी होती है. तो ऊपर जो कई बार क्वेश्चन के ऊपर इंस्ट्रक्शंस होती हैं हम उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं. सो इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो आपकी हेल्प करने के लिए होती है एंड उसी के बेस के ऊपर ही आपको स्कोर मिलता है. सो आपने नोटिस किया होगा इंस्ट्रक्शन के ऊपर लिखा होता है राइट नो मोर देन 2 words, 3 words, 1 word, इस तरह से इंस्ट्रक्शन लिखी होती है. तो अगर नो मोर देन 3 words लिखा है एंड आपने जो अपना आंसर है वो 4 words में लिख दिया, फिलअप जो है फॉर एग्जाम्पल, या फिर नो मोर देन 2 words है आपने 3 words में लिख दिया, तो आपने भले ही जो 2 word है उसमें से वो ठीक हों, जो 3rd आपने एडिशनल वर्ड लिख दिया है उसने आपका क्या कर दिया, आंसर को रॉन्ग कर दिया. सो हालांकि हो सकते वो ऑडियो का पार्ट हो जो आपने सुना है, 3 words सुने हैं, अब इंस्ट्रक्शन बोल रही है कि नो मोर देन 2 words, आपने सुना है कोई आंसर ऑडियो में जिसमें आपको लग रहा है कि 3 words हो सकते हैं, आपने इंस्ट्रक्शन को ध्यान में नहीं रखा, आपने 3 words लिख दिए. सो हालांकि आपके 2 words वही थे जो आंसर होने वाले थे लेकिन एडिशनल वर्ड जो आपने लिख दिया है उस वजह से आपका जो आंसर है टोटली इनकरेक्ट हो जाएगा एंड आपका पूरा का पूरा एक जो एक एक मार्क्स है जो आपके वो स्कोर है आपका डाउन हो गया, राइट. सो सिमिलरली लिखा होता है नो मोर देन 1 word एंड और आर नंबर. अब यहाँ पर एंड भी लिखा हुआ है, स्लैश करके और भी लिखा हुआ है, तो मीन्स 1 word तो आप लिख ही सकते हैं, साथ में अगर कोई नंबर है तो एंड भी हो गया और भी हो गया. तो या तो अकेला नंबर भी आ सकता है इस फिलअप में, एंड करके मतलब एक वर्ड भी आ सकता है, एक कोई नंबर भी आ सकता है, मतलब दोनों भी आ सकते हैं, कोई एक सिंगल वर्ड भी आ सकता है या फिर एक ओनली नंबर भी आ सकता है. तो इस तरह की इंस्ट्रक्शन पढ़ने से आपको हेल्प हो जाती है आंसर करने में. सो मोस्ट प्रोबेबली ये जो सेकंड वाली इंस्ट्रक्शन होती है नो मोर देन 1 word एंड अ नंबर, ये होता है अपने लास्ट सेक्शन में, सेक्शन 4. सो लिसनिंग में 4 सेक्शन होते हैं, हर सेक्शन में 10-10 क्वेश्चंस होते हैं. सो मोस्ट प्रोबेबली ये वाला जो ऑप्शन होता है 1 word वाला या नंबर वाला, ये अपने सेक्शन 4 में आता है. उसमें स्पीड थोड़ी हाई रहती है ऑडियो की बट आंसर बहुत ईजी रहते हैं, मतलब फिलअप्स ही रहते हैं मोस्ट प्रोबेबली एंड उसमें आपको एक वर्ड ज़्यादातर जो होता है आंसर वही लिखना रहता है, करेक्ट. सो सेकेंड जो है टिप दैट इज़ फोकस ऑन ब्रिटिश इंग्लिश. अब ब्रिटिश इंग्लिश क्या है कि देखिए इंग्लिश भी क्या है जो वेरी करती है कंट्री टू कंट्री, उन लोगों का एक्सेंट चेंज हो जाता है, राइट. तो उनकी वोकैब चेंज हो जाती है. सो आपको जो फोकस करना है अगर आपको आइल्स में लिसनिंग का क्रैक करना है, हायर स्कोर लेना है, तो आपको फोकस करना है ब्रिटिश इंग्लिश. सो देखिए कैम्ब्रिज के टेस्ट तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं ही,
तो उनको छोड़ के आप हमेशा ढूंढते रहते हैं हमें कंटेंट कहाँ से मिले। आप लोग यूट्यूब पर जाते हो, ऑनलाइन देखते हो, कंटेंट आपको बहुत मिलता है लेकिन सिलेक्टिव नहीं मिलता, मतलब क्या आपका फ़ायदा कर सकता है वो नहीं आपको मिलता। सो सिंपल ट्रिक इज़ BBC न्यूज़। सो BBC अगर आप सुनते हैं तो उसमें जो एक्सेंट होता है दैट इज़ ब्रिटिश एक्सेंट, सो उससे आपको हेल्प होती है क्योंकि जो IELTS का लिसनिंग टेस्ट आता है एंड BBC का जो एक्सेंट है तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाती है। दूसरी चीज़ कि ब्रिटिश इंग्लिश से क्या मतलब है कि जैसे कैनेडियन इंग्लिश है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है, तो वहाँ की जो इंग्लिश है वो थोड़ी वेरी कर जाती है, लेकिन वो भी सुनिए, वो भी एक गुड आइडिया है। बट अगर आपको कंपेयर करना हो IELTS की जो लिसनिंग आती हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश में आती हैं, करेक्ट। जैसे कि लॉरी वर्सेस ट्रक लिखा है मैंने, सो देखिए कैनेडा में हो गया, ऑस्ट्रेलिया में हो गया, तो वहाँ की इंग्लिश में बोलेंगे ट्रक। अब उसी वर्ड को अगर ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ करेंगे तो वो बोलेंगे लॉरी। सो इससे फ़ायदा क्या होगा आपको कि जो फिलअप्स आएंगी, फॉर एग्जांपल लिसनिंग में कोई फिलअप आ गई, अब उसमें कोई ट्रैवलिंग की डिस्कशन हो रही है या व्हीकल्स की डिस्कशन हो रही है, वो लॉरी वर्ड यूज़ करेंगे। अब अगर तो आपने सुना होगा, ट्रक वर्ड आपके लिए फेमिलर होगा क्योंकि आपने सुन रखा है, दैट इज़ कॉमन, है ना, आपको लगेगा ट्रक सुना तो आपने फटाफट कर दिया। लेकिन अगर लॉरी वर्ड आया तो आप थोड़ा एक टाइम के लिए थोड़ा कन्फ्यूजन में आ सकते हैं अगर आपने पहले नहीं सुना हुआ है या आप नहीं यूज टू हैं ब्रिटिश एक्सेंट के। सो अगर आप इस तरह से ब्रिटिश इंग्लिश सुनेंगे तो क्या होगा, उसके जो वर्ड होंगे वो कैब होंगे वो भी IELTS में जो आती है लिसनिंग उससे सिमिलर होते हैं, तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, करेक्ट। तो ये है सोर्स आपके पास जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, BBC न्यूज इज द बेस्ट। नेक्स्ट टिप इज स्पेलिंग काउंट, तो आपके स्पेलिंग क्या सही हैं जो आप लिख रहे हैं, एंड हैंड राइटिंग। सो हैंड राइटिंग बेसिकली अगर दो तरह से IELTS होता है, एक तो ऑनलाइन होता है, दूसरा होता है पेपर एंड पेन के साथ। सो पेन पेपर अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो हैंड राइटिंग आपकी एलिजिबल होनी चाहिए, मतलब पढ़ी जा सके, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ी जा सके, मतलब आपकी तरफ से आपने सही लिखा है तो एग्जामिनर को पढ़ने में दिक्कत ना हो, ऐसा ना हो कि आपकी आए आपकी एल जैसी लगे। सो जो आप लिख रहे हो हैंड राइटिंग वो इतनी क्लियर हो कि एग्जामिनर को स्ट्रेस ना आए, उसको पढ़ने में क्लियर लगे, आए है तो आए है पढ़ा जाए, एल ना लगे। सो एम एन अगर एक साथ लिखा हुआ है तो ऐसा ना हो कि डबल एन लगे, तो आपने अच्छे से लिखना है। फर्स्ट चीज के स्पेलिंग काउंट, अब देखिए डबल टी, कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें डबल टी, तो मैंने एग्जांपल के लिए लिख लिया, जैसे कॉमेटी वर्ड है राइट, उसमें क्या होता है डबल टी लास्ट में आता है। सो जिस वर्ड में डबल अक्षर आते हैं ना, जैसे कि कॉफ़ी हो गया, सो डबल एफ डबल ई, सो इस तरह के जो वर्ड होते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, आप उस पर उसकी प्रैक्टिस करिए पहले से, जिसमें आपको डेली रूटीन में वर्ड्स आते हैं, आपको लगता है कि आपको इसमें कंफ्यूजन है या आपको लगता है कि आप सही तरीके से नहीं लिख पाओगे, आपको डाउट आ जाएगा एग्जाम में, तो आप उनको पहले से ही करिए। तो डबल वाले जो अक्षर होते हैं उसमें ज़्यादातर आपको कन्फ्यूजन होती है, तो आप इस पर प्रैक्टिस करिए पहले से। सेकेंड थिंग स्पेलिंग तो हो गया ये, दूसरा हो गया 30 vs 13 लिखा है, तो कुछ लोगों को सुनने में इसमें क्या होता है, लिसनिंग इज़ ऑल अबाउट फोकस, जितने आप फोकस रहेंगे एग्जाम में उतना आप क्लियर सुन पाएंगे। सो सुनने के लिए क्या है, आपको आपकी अटेंशन पूरी पे करनी पड़ती है क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं आपके आसपास, तो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, जैसे वो आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो अगर आपको कोई इस तरह से डाउट होता है या कंफ्यूजन होता है तो उससे भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो लिसनिंग इज़ ऑल अबाउट फोकस, तो अगर आप फोकस रखते हैं, आपको डिस्टर्बेंस नहीं होती है, तो आप अच्छे से इसको अटेंड कर पाएंगे। सो 30 vs 13, अब मान लीजिए आसपास कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, कुछ हलचल हो रही है या एग्जामिनेशन हॉल में कोई डिस्टर्बेंस है, तो अभी आपको क्या हुआ, 13 की जगह 30 और 30 की जगह 13 आपको सुन सकते हैं, तो अपने खास अगर नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो नंबर्स कौन से सेक्शन में आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली सेक्शन 1 में। सो फर्स्ट 10 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आपको नंबर्स मोस्ट प्रोबेबली आते हैं, तो आपको नंबर्स पे जो अटेंशन पे करना है, या फिर सेक्शन 4 में आ सकते हैं, तो यही दो सेक्शंस है जिसमें ज़्यादातर नंबर्स आते हैं, तो आपको पूरे अटेंशन पे करके सुनना है कि वो 13 कह रहे हैं या 30 कह रहे हैं, 14 कह रहे हैं या 40 कह रहे हैं। तो नंबर्स को अगर आपने प्रोनंसिएशन सुननी है तो आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुननी है, करेक्ट। सो नेक्स्ट इज प्लूरल है कि सिंगुलर है, इसके ऊपर भी आपने ध्यान रखना है। अब देखिए आप ऑडियो सुन रहे थे, अब मैंने हैट वर्सेस हैट्स लिख दिया हिंट के लिए, अब मान लीजिए कोई फिलअप है, वहाँ पर हैट आएगा कि हैट्स आएगा, तो अगर आपने सुन लिया है ऑडियो में, आपने फटाफट रफली लिख लिया, वहाँ पर हैट्स लिख लिया फॉर एग्जांपल, या हैट लिख लिया आपने, तो अब जब आपको लास्ट में 10 मिनट्स मिल रहे हैं आंसर ट्रांसफ़र करने के लिए फॉर पेन पेपर IELTS आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि जो ऑनलाइन IELTS है उसमें आपको एडिशनल 10 मिनट्स नहीं मिलते हैं,
करेक्ट, क्योंकि उसमें आप साथ ही साथ अपने आंसर्स ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं फिलिप्स में, उसमें सिर्फ 2 मिनट मिलते हैं लास्ट में आपको चेक करने के लिए। सो पेन पेपर आइल्स में आपको ऑलरेडी 10 मिनट्स मिल रहे हैं, तो जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपना आंसर तो देखिए उसमें इज लिखा हुआ है सेंटेंस में, आर लिखा हुआ है, तो आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब पढ़ोगे ना उसको, तो उसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर मैंने सिंगुलर लिखना है या फिर प्लूरल यूज़ करना है, करेक्ट। तो अभी कन्फ्यूजन आपका ख़त्म हो गया, सुनने में भले ही ऑडियो में आपको कन्फ्यूजन हो जाए, आप एक बार लिख लीजिए जो भी आपको सुना है, हैड सुना है तो हैड लिख लीजिए, हैड्स लिख तो मतलब सिंगुलर है तो सिंगुलर लिख लीजिए, जो भी आपको सुनाई दे रहा है आप लिख लीजिए उसको एक बार रफली। लेकिन जब आप फाइनल आंसर ट्रांसफ़र करोगे तो जिसमें आपको डाउट है आप उसको सर्कल करके रखिए आंसर को, तो देन आपने जजमेंट करनी है सेंटेंस के ऊपर से। अगर वहाँ पर इज लिखा हुआ है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, तो उससे अपने आइडिया लगा लेना है कि मैंने सिंगुलर वर्ड ही यूज़ करना है या प्लूरल करना है, करेक्ट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट इज वेरी सिंपल एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ प्रेडिक्शन। सो प्रेडिक्शन करना क्या होता है कि जब कोई भी अपने आपको लिसनिंग टेस्ट होता है, अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आपको पता होगा कि वो पहले बोलते हैं यू हैव 1 मिनट टू ट्रांसफ़र योर आंसर्स। अब आपने रफली आंसर्स तो लिख लिए हैं और 1 मिनट आपके पास है, आप ट्रांसफ़र तो नहीं कर रहे हो, तो आपने उस 1 मिनट को यूज़ करके 2 मिनट्स जो भी आपको टाइम मिलता है उसको यूज़ करके आपने नेक्स्ट सेक्शन के जो क्वेश्चंस है उसके ऊपर थोड़ी सी अपने नज़र घुमा लेनी है। अब जब आप नेक्स्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं तो आपको क्वेश्चन से ही थोड़ा आइडिया हो जाएगा, प्रेडिक्शन आपको लगानी होगी कि इस फिलअप में क्या आना चाहिए, कोई नंबर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कोई एडजेक्टिव आना चाहिए, कोई वर्ब आनी चाहिए या कोई नाउन आना चाहिए, इतना आइडिया तो आपको हो जाएगा। सो देखिए, ही विल ट्रैवल ऑन अ डैश, अब मान लीजिए इस तरह से कोई एक फिलअप है, अभी ऑडियो स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन आपने उसको देख के कोई जजमेंट लगानी है इस सेंटेंस को देख के, तो क्या जजमेंट लगाओगे आप? ही विल ट्रैवल ऑन अ, अब फटाफट आपके माइंड में क्या आएगा कि वो कोई ना कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करना चाह रहा है। ही विल ट्रैवल ऑन अ बस, ऑन अ कार, राइट, सो ट्रेन, कुछ भी हो सकता है। सो जो भी होगा आपके माइंड ने एक बार पिक कर लिया है कि फटाफट इस तरह से कोई वर्ड आएगा ना, कार आएगा, बस आएगा, तो फटाफट आप पिक कर लोगे उसको। तो आपको प्रेडिक्शन करना, गेस करना थोड़ा सा आपको हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इज शी हैज़ 10, अब डैश, अब यहाँ नंबर आ गया तो 10 तो कुछ भी हो सकता है, तो आपने इतना सा तो आइडिया लगा लेना कि यहाँ पर अब एडजेक्टिव आएगा, कोई वर्ब आएगा या कोई नाउन आएगा, तो क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ 10 कॉपीज, कॉपीज़ क्या है? नाउन। सो आपको इतना जजमेंट हो जाना चाहिए एक तो ऑब्जेक्ट का, नॉट एग्जैक्टली, मतलब आपको आइडिया हो जाए कि कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में ही विल ट्रैवल ऑन अ डैश, सेकेंड सेंटेंस में देखिए शी हैज़ 10 डैश, तो अब यहाँ पर कोई एडजेक्टिव तो आएगा नहीं, कोई वर्ब भी नहीं आ सकती, तो नाउन आएगा। तो इस तरह से अपने अपने माइंड को जजमेंट देनी है, थोड़ा सा एक आइडिया देना है, तो इस तरह से प्रेडिक्शन करके चलेंगे ना तो फटाफट पिक कर पाएंगे अपना आंसर, करेक्ट। सो नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट टिप इज़ बी अवेयर ऑफ चेंजेस। अब क्या होता है कि जब आपकी ऑडियो चल रही होती है उसमें वो कॉन्वर्सेशन करते हैं, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होती है फर्स्ट में, फर्स्ट सेक्शन में, राइट, तो वो जब पूछते हैं कि ओके, अगर मैं कोई हॉल बुकिंग कर रही हूँ तो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन चल रही है, फर्स्ट तो पूछेंगे कोई रिक्वायरमेंट पूछेंगे कि कितना होना चाहिए, तो सामने से आंसर आएगा इट्स 40, बाद में बोलेंगे सॉरी इट इज़ एक्चुअली 42.5। सो आपको अलर्ट रहना है, ठीक है, अलर्ट रह के क्या है कि जो भी चेंजेस होते हैं उसमें आपको अपना आंसर उस अकॉर्डिंग चेंज कर लेना है। सो पहले आपने 40 लिख लिया फटाफट, तो क्वेश्चन बोलेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट आपका, तो आंसर है 40, आपने 40 नोट डाउन कर लिया, तो फटाफट जैसे उन्होंने चेंज किया, सॉरी इट इज़ एक्चुअली 42.5, तो जैसे 42.5 आया तो आपने फटाफट अपने आंसर को अल्टर कर लेना है, चेंज कर लेना है, राइट। सो अवेयर ऑफ चेंजेस, आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा तो कोई भी अगर चेंजेस करते हैं वो अपने आंसर में। सो नेक्स्ट टिप इज प्रैक्टिस टेस्ट, तो आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है जो भी लिसनिंग की आपके पास अवेलेबल हैं, या फिर आपके पास BBC के कुछ ऑडियोज़ हैं या YouTube पे के कुछ कंटेंट है या फिर आप न्यूज़ सुनते हैं डेली, तो उसको आप प्रैक्टिस करिए, एंड कैम्ब्रिज के टेस्ट जो हैं उसको तो आपने प्रैक्टिस करना ही करना है। अब उसमें मोस्ट स्पेसिफिकली क्या करना है आपको, तो लिसन करना है आपने ग्रुप ऑफ नंबर, एक तो फोकस देना है जैसे नंबर्स होते हैं वो मोबाइल नंबर बुलाते हैं अपना, या कोई अपना स्ट्रीट नंबर बोलते हैं या हाउस नंबर बोलते हैं या कोई भी बिल्डिंग का नंबर बोलते हैं। सो एक तो अपने ग्रुप ऑफ नंबर्स, मान लीजिए मोबाइल नंबर बता रहे हैं,
5, 9, 2, 9, 8, 9, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए ताकि जो आपके पास काफ़ी सारे नंबर्स भी आ जाएं, पजल ना हो. करेक्ट. एक तो है ग्रुप ऑफ नंबर्स, इस तरह से आपको 5-6 नंबर एक साथ भी बोल दें, जैसे मोबाइल नंबर नोट करवा रहे हैं वो अपना, है ना, तो अगर वो 10 से 12 नंबर्स बोल भी देते एक साथ तो आप उसको सुन पाएँ क्लियरली एंड अंडरस्टैंड कर पाएँ, कोई कंफ्यूजन ना रहे. सेकेंड प्रैक्टिस आपने करनी है लिसन ग्रुप कॉन्वर्सेशंस, क्योंकि जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें भी दो लोग बात कर रहे हैं, जो सेकंड या थर्ड जो आता है सेक्शन उसमें रहती हैं आपको ग्रुप डिस्कशन. उसमें क्या आता है, एक तो MCQs आ जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, तो उसमें भी आपको डाउट हो सकता है. दूसरा, अगर आपने ग्रुप कॉन्वर्सेशन पहले से सुन रखी होंगी, कोई डिबेट सुन रखा होगा आपने न्यूज़ में, राइट, तो वो आपकी हेल्प करेगा. क्योंकि डिबेट में क्या होता है, कोई फर्स्ट ओपिनियन रखता है, फिर सेकंड पर्सन सेकंड ओपिनियन रखता है, तो फिर तीसरा बंदा अपना ओपिनियन रखता है, तो ओवरऑल एक जजमेंट निकलती है कि क्या कंक्लूजन है, क्या कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं वो, क्या उनका व्यू पॉइंट है. तो यही होता है इसमें भी, तो आपको सुनना है तीनों को, जो भी कॉन्वर्सेशन है फाइनल उन्होंने क्या डिसीजन लिया, क्या उनका कॉन्वर्सेशन था, तो उससे रिलेटेड आपने अपना आंसर चूज करना होता है. सो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको MCQs में जो डाउट रहते हैं कुछ बच्चों को वो कम हो जाएंगे आपके रहने. करेक्ट. सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. तो और भी वीडियोस में शेयर करने वाली हूँ अलग अलग मॉड्यूल्स के रिलेटेड, तो लेकिन आपने अटेंशन पे करनी है और जो भी चीज़ें डिस्कस हुई हैं उनको आपने अपनी प्रैक्टिस में लाना है. राइट. सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो.